आज पीएम मोदी का जन्मदिन के साथ उनके तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। हालांकि उनका यह सफर आसान नहीं रहा, गठबंधन की मजबूरी के चलते अमली जामा नहीं पहना सके। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें देश से लेकर विदेशों तक से बधाइयां मिल रही है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन के साथ उनके तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की कमान संभाली है। हालांकि उनका यह सफर आसान नहीं रहा, लेकिन वो हर चुनौती से निकलकर नई लकीर खींचते हुए नजर आते हैं। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन के कार्यकाल में कई अहम कदम उठाए गए, लेकिन गठबंधन की मजबूरी के चलते अमली जामा नहीं पहना सके। इसके बावजूद मोदी सरकार पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, क्योंकि चुनौतियों से पार पाने की संभावना पीएम मोदी पर ही टिकी है। 2014 की बात हो और 2019 की, लगातार दो बार अपनी पार्टी के बदौलत प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सहयोगी दलों के सहारे प्रधानमंत्री बनकर इतिहास जरूर रचा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई थी और बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के चलते पीएम मोदी के सामने पहली बार सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती रही। अब इसके साथ ही बीजेपी को फिर से जनता के बीच स्वीकार कराने का चैलेंज है। अब ऐसे में तमाम तरह से सियासी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन से लेकर तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के कामों का विश्लेषण करें तो साफ है कि पीएम मोदी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत अपने कदम बढ़ा रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 के 100 दिनों की बात करें तो इसका आगाज अच्छा रहा। तमाम कयासों के बावजूद गठबंधन सरकार गठित होने से पहले आमतौर पर मंत्री पद की संख्या और दलों को दिए जाने वाले विभाग पर कोई विवाद नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी ने नई सरकार के गठन को लेकर प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास जताया। हाई प्रोफाइल मंत्रालय भी बीजेपी ने अपने पास रखे, जबकि पहले ये कहा जा रहा था कि जेडीयू और टीडीपी जैसे दल मांग सकते हैं। सरकार गठन से लेकर मंत्रिमंडल तक की सभी चुनौतियों को बहुत सरल तरीके से पीएम मोदी सुलझाने में कामयाब रहे और भविष्य में भी यही स्थिति जारी रहने देने के संकेत साफ दिख रहे हैं। चुनाव में जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती तो गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाना एक मजबूरी बन जाता है। गुजरात और फिर केंद्र में लगभग 2.5 दशक तक बहुमत वाली सरकारों की अगुवाई करने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार एक गठबंधन वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कई अहम संदेश दिए। उन्होंने निर्णयों में सर्वसम्मति बनाने, संविधान का मूल चरित्र कामयाब रखने की बात कही थी। इसका मतलब है कि बीते दो कार्यकाल में पार्टी की विचारधारा के समर्थन में कठोर रुख अपनाती रही बीजेपी ने नए कार्यकाल में विकल्पहीनता के कारण सभी दलों को साथ लेकर सामूहिक निर्णय के आधार पर आगे बढ़ने का संदेश दिया था। 100 दिन के कार्यकाल में इसकी झलक भी दिखी है। केंद्र में तीसरी बार सरकार गठन को लेकर भले ही एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहा हो, लेकिन बीजेपी के एजेंडे को भुनाना पहले की तरह आसान नहीं दिख रहा। बीजेपी के मूल एजेंडे में शामिल यूसीसी, धर्मांतरण विरोधी कानून की राह में आगे बढ़ने पर तब इन दलों का क्या रुख होगा? जाहिर तौर पर आगाज अच्छा होने के बावजूद बीजेपी के सामने इन मुद्दों पर आगे बढ़कर अपने मूल वोट बैंक को साधे रहना और इसके लिए सहयोगी दलों को राजी करने की बड़ी चुनौती है। इनमें सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी और जेडीयू अपने अपने राज्यों में मुस्लिम वोट बैंकों को साधे रखना चाहते हैं। अब ऐसे में बीजेपी को अपने मूल एजेंडे पर आगे बढ़ने और इसे अमली जामा पहनाने की बड़ी चुनौती है। वक्फ एक्ट में संशोधन के दौरान ये बात दिखी, जब बीजेपी के कई सहयोगी दल समर्थन देने के लिए रजामंद नजर आए, लेकिन जेपीसी को भेजने की वकालत करते नजर आए। इस पर मोदी सरकार तैयार हो गई और वक्फ बिल को संसद से पास कराने से पहले जेपीसी को भेज दिया गया। इसके अलावा लेटरल एंट्री के सहारे भारतीय शासन व्यवस्था में शामिल कराने के फैसले पर विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दलों ने भी आवाज उठाई है, जिसके बाद मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री में दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया कि दलित आरक्षण कोर्ट में अलग कोटा राज्य बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी दलितों में अति पिछड़े दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। बीजेपी के नेताओं ने
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया और सहयोगी पार्टियों जेडीयू, टीडीपी और जीतन राम मांझी की पार्टी ने सपोर्ट भी किया, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती और चिराग पासवान सहित दलित आधार वाले दलों ने मुखर होकर आवाज उठानी शुरू कर दी। अब ऐसे में दलित वोटों के छिटकने के डर से बीजेपी और मोदी सरकार को कहना पड़ा कि दलित आरक्षण में किसी तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाएगा और ना ही क्रीमिलेयर व्यवस्था की जाएगी। 2024 के लोकसभा नतीजों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने एनडीए को कड़ी चुनौती दी है। इन गठबंधन में बीते दो चुनाव में हुए विपक्षी वोट बैंक में बिखराव को बहुत हद तक कम किया गया है। अब ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव की हार से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और अब दिल्ली में चुनाव होने हैं। ये विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव में उसे नुकसान उठाना पड़ा था। देखिए, बीजेपी के हाथों से फिसलती सियासी जमीन को समेटना ही नहीं बल्कि जनता के बीच अपनी पैठ जमाए रखने की भी चुनौती है। बीजेपी अगर 5 राज्यों में चुनावी जंग फतह करने में कामयाब रहती है तो फिर से अपना दबदबा कायम कर सकती है। यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने चुनाव की कमान संभाल रखी है। बीजेपी की कोशिश 5 राज्यों में से कम 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाने की है। बीजेपी अगर इसमें सफल रहती है तो उसका हौसला बुलंद हो सकता है और विपक्ष पर दबाव बनाने में फिर से सफल हो सकती है। हारी सियासी बाजी जीतने का हुनर पीएम मोदी को आता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में ये देखा भी गया है कि कैसे पीएम मोदी ने उतरकर पूरे माहौल को भाजपा में बना दिया था। पीएम मोदी दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में आते ही यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी। भले ही इसे लेकर अभी कोई फैसला ना हो सका हो, लेकिन पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इस दिशा में कदम बढ़ाने के संकेत जरूर दे दिए थे। ऐसे ही परिवारवाद और भ्रष्टाचार भी नकेल कसने पर कायम है। इसके अलावा एक देश एक चुनाव के एजेंडे पर भी मोदी सरकार अडिग है। इस पर टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों को रजामंद कर रखा है। मोदी ब्रांड की पहचान अब ऐसी हो गई है जो बीजेपी से काफी आगे है और काफी गहरी लगती है। इसलिए पीएम मोदी से चुनौतियों से निपटने की संभावना भी लगा रखी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।